तो दोस्तों हार कर जीतने वाले को पाजगर नहीं एलन मस्क कहते हैं, क्योंकि रिसेंटली उनका एक स्टारशिप जिसका नाम SN8 यानी कि SN8 रॉकेट लॉन्चिंग और टेस्टिंग के बाद धरती पर वापस आते वक्त उसमें विस्फोट हो गया। लेकिन इससे एलन मस्क के मार्स कॉलोनी बसाने के सपने में कोई भी कमी नहीं आई है। वो अब भी उसके प्रति दृढ़ संकल्प हैं और यही है एक बिलियनेयर का माइंड। तो आखिर इस स्टारशिप के साथ क्या हुआ, क्या एलन मस्क का सपना पूरा होगा या नहीं, तथा व्हाट इज 42 नंबर, ये क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार आप सबका अपने चैनल ट्रिलियन चॉइस स्टोरी द बेस्ट वे टू लर्न स्पेस साइंस पर वेलकम करता हूँ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए स्पेसएक्स कंपनी जिसके फाउंडर हैं एलन मस्क का स्टारशिप सिस्टम जो कि फुली रियूजेबल और 2-stage 2-orbit सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल जो कि 2012 में इसको स्पेसएक्स के द्वारा डेवलप किया गया और इसकी हाइट की बात करें तो 122 मीटर है और इसका कॉस्ट लगभग 2 मिलियन का है। तो देखिए ये जो स्पेसएक्स का मिशन था वो एक प्रोटोटाइप मिशन था जो कि अर्थ से लगभग 12,500 मीटर की ऊंचाई पर और 4 मिनट 42 सेकंड तक हवा में रहा और सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए ही भेजा गया था। और इस रॉकेट को टेक्सास यानी कि बोका चिका स्पेसएक्स की रॉकेट फैकल्टी से लॉन्च किया गया था और एक अनमैन्ड मिशन था यानी कि इसमें कोई भी इंसान नहीं था, तथा इसकी मदद से मार्स पर कॉलोनी और मून पर कॉलोनी बसाने का एलन मस्क का सपना है और लगभग 100 टन कार्गो को भी ले जाना है। तथा एलन मस्क का कहना है कि फ्यूल प्रॉब्लम होने की वजह से ये मिशन फेल हो गया, लेकिन हमको जो जानकारी चाहिए थी वो इस मिशन से मिल गई है और हम लगभग 4 से 5 सालों में एक मिशन मार्स पर जरूर भेजेंगे। तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इंडिया भी रियूजेबल रॉकेट पर वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए इंडिया भी रियूजेबल रॉकेट पर वर्क कर रहा है और जल्द ही आप लोगों को इसके बारे में खुशखबरी मिलने ही वाली है। तो आइए अब जानते हैं कि ये 42 क्या है। तो देखिए डगलस एडम्स जिनका एक नॉवेल जो उन्होंने 1979 में लिखा था जिसका नाम था द हिट चेकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, जिसमें 42 का मतलब है अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का अंतिम क्वेश्चन, द यूनिवर्स एंड द एवरीथिंग। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है जो कि स्पेस से रिलेटेड है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लेकिन लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड जानकारी मिलती ही रहती है। तो नमस्कार दोस्तों।